बज रहे हैं, मंडे नहीं ट्यूसडे हो गए इनफैक्ट 12 बजे के बाद, और मुझे सबर नहीं हुआ तो मैंने व्लॉग लाइव कर दिया। नहीं देखा है तो देख लीजिए। आई हैव शेयर्ड माई व्यूज ऑन सुशांत सिंह राजपूत केस, एज एन आई एम नॉट फॉलोइंग दैट केस। एंड ऑन द सेकेंड पार्ट मैं आपको चेरी की बहुत ही एक बुरी आदत बताती हूँ, बताती तो क्या हूँ मैं, दिखाती हूँ। वेट, टीवी चालू है, दिस इज वेरी बैड। मूवी चालू करके ये सो जाता है एंड आई हेट दैट। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ओके, सो सुबह के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड मैंने एक लेक्चर ले लिया है, एक अभी रहता है, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा काम हम है वो हम छोड़ेंगे, और जेरी शॉप जाने के लिए रेडी है। आई शो गाइस, जेरी इज रेडी डूइंग हिज ब्रेकफास्ट। आई विल डू माय ब्रेकफास्ट अभी। तुसी जा रहे हो? जी। तुसी जा रहे हो? जी। तूने कल ये टी-शर्ट ही पहनी तो आज पहन ली। ऑब्वियसली। है ना? तुसी जा रहे हो? जो। तुसी ना जाओ। ओटीपी आएगा जरा देख। कितना चालू है? क्या किया तूने ओटीपी से? हाँ? क्या खरीदा? अरे देना, पेटीएम का। सो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मैंने लेक्चर्स ले लिए, मेरे आज के लेक्चर्स ख़त्म हो गए हैं और कुछ एक दो काम पेंडिंग है विच आई हैव टू कम्प्लीट अभी भी। फॉर दैट मतलब मुझे शार लेना है। सुबह मैंने शार इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि मुझे अपने बालों में कुछ 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 लगाना भी था, बाल बहुत रफ फ्रिजी से हो रहे हैं और सैलून जाने का मूड नहीं है। सो मैंने सोचा कि घर पर जुगाड़ है, स्पा किया जाए। ओके, सो सबसे पहला स्टेप इज़ कोई भी खाली कटोरी ले लो, बर्तन ले लो, कुछ ले लो, या फिर एक खाली जार ले लो। थोड़े ज़्यादा पैसे आपके पास तो अच्छी सी बाउल ले लीजिए प्लीज़। ओके, सो देन यू हैव टू टेक 1 हेयर स्पा क्रीम। अगर हेयर स्पा क्रीम नहीं है आपके पास तो आप कोई भी कंडीशनर उठा लो। ओके, सही सस्ता जुगाड़ है। ओके, सो कोई भी कंडीशनर उठा लो, बट मेरे पास हेयर स्पा क्रीम है। बेसिकली इट्स अ मास्क, सो इट्स अ लॉरियल एक्सटेंसो मास्क। दो आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा कुछ मुझे पसंद नहीं है, बट पैसे खर्च कर दिए तो यूज़ करना ही पड़ेगा। मतलब स्मूदिंग मैंने कराई थी तो द सैलून गाय टोल्ड मी टू बाई दिस, तो मैंने खरीद लिया और खासा मुझे कुछ पसंद नहीं है, बट अब है तो है, ख़त्म तो करना ही है। सो आई एम यूजिंग दिस लॉरियल एक्सटेंसो वन एंड थोड़ा सा मैं एक बाउल में, कटोरी में जिसमें भी है उसमें एक निकाल लूँगी एंड देन आई एड दिस द वेरी फेमस पतंजलि का एलोवेरा जेल और थोड़ा सा अपना सीरम। आई यूज़ मैट्रिक्स का सीरम, अगेन इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड वन, नॉट इन दैट। सो दिस आई विल ऐड, ऑल्सो आई विल ऐड दीज कैप्सूल्स। मतलब क्या है, ये विटामिन ई की कैप्सूल्स हैं और ईवियन 400 करके मार्केट में मिल जाएगी। इसको आप अपनी स्किन पर भी यूज़ कर सकते हो और बालों पर भी यूज़ कर सकते हो, दोनों वे इट इज़ बेनिफिशियल। सो गैस हेयर ग्रोथ वगैरह के लिए अच्छा रहता है, बाल भी अच्छे जाते हैं। सो ईवियन की 2 कैप्सूल्स मैं लूँगी। इसको यूज़ करने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो 2 कैप्सूल्स आई टेक, आई कट इट, जिसके अंदर का लिक्विड है दैट आई पुट इट। तो मैं अभी ये मास्क बना लेती हूँ, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से मिक्स करवा लिया है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सेक्शंस में डिवाइड करके तमीज से फॉर्मेलिटी करते के लगाने की ज़रूरत है। द होल पॉइंट इज़ कि आपके सारे बालों में लगाना चाहिए। थोड़ा सा लग भी चुका है, ओप्स। सो द होल पॉइंट इज़ कि आपके बालों, पूरे बालों में ये लग जाना चाहिए। तो ये मास्क लगाने के बाद आपको बालों में थोड़ी सी चंपी करनी है, अगर कोई हो करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई ना हो तो खुद कर लीजिए। तो ये बालों में अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। गर्मी तो बहुत हो रही है इसलिए बाल खुले रखने की जगह इसको जुड़े में बांध दिया जाए और एक क्लचर की मदद से सपोर्ट दे दिया जाए। सो आधा घंटा हो गया है पैक लगाने के बाद, ठीक है, तो अब हम खेलेंगे खतरों के खिलाड़ी, ठीक है। सो सबसे पहला डिस्क्लेमर ये दे दूँ, अगर आप ये स्टंट ट्राई करने वाले हैं तो किसी बड़े के सुपरविजन के अंडर करें, और अगर आप खुद ही बड़े हैं जिस लाइक मी और प्रॉब्लम मुझसे भी ज़्यादा बड़े हैं तो कृपया ध्यान से करें। या ओके, सो व्हाट आई विल डू इज टू गिव दी स्टीम टू माई हेयर, हेयर मैं अपने बालों को स्टीम देने के लिए यूज़ करने वाली हूँ अपनी स्टीम आयरन। स्टीम आनी शुरू हो गई है,
बट अब आप जो कार्य करें कृपया ध्यान से करें. तो आई विल गिव दिस टीम ध्यान से टू माई हेयर. बालों को स्टिंग दे दिया, फेस पे भी स्टिंग लग गई है. इफ़ यू कैन सी इतना सारा स्वेट. सो अब टाइम है शावर लेने का. हे एवरीवन, सो बाल सूख गए हैं, बहुत ही बेहतर हो गए हैं अगर आपको दिख रहे हैं. सुरक्षित काले लंबे बाल, लंबे तो नहीं है और ना ही काले हैं, बट यप दे आर फाइन नाउ, दे आर गुड, गुड टू गो. ज़्यादा फ्रिज नहीं है बट इट्स गुड. यही है वो प्राणी जो कहता है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट बाद आता है. जाम पूछ ले थे कितना था? बस मुझे यही एक्सपेक्टेड था आंसर. तो भाई साहब, आई एम मेकिंग बर्गर फॉर द डिनर और मैं नहीं खाऊंगी, सबको खिलाऊंगी बिकॉज़ मेरा डिनर इज डन.